कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज लॉकडाउन का पांचवा दिन है। कोटा में कुछ लोग अभी भी इस वायरस को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, तो वहीं पुलिस की नाकाबंदी होने के बाद भी लोग अपने अपने वाहनों से गलियों से निकल रहे हैं और पुलिस को ठेंगा दिखाया जा रहा है। ऐसे में अपनी ड्यूटी के साथ कोटा पुलिस सामाजिक सरोकार भी निभा रही है। भूखे लोगों को नमकीन के पैकेट दिए जा रहे हैं, साथ ही घर में रहने की भी अपील की जा रही है। लॉकडाउन को आज पूरे देश भर में 5 दिन हो चुके हैं। पांचवा दिन आज चल रहा है, मगर देख सकते हो अभी भी पुलिस को लोगों से समझाइश करनी पड़ रही है। सामने की तस्वीर आप देखोगे किस तरह से पुलिस अभी भी लोगों से जद्दोजहद करने के लिए जुटी हुई है। सामने आप एक ट्रैफिक काउंटर पे देख सकते हो किस तरह से पुलिस ने जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है। आगे चल के 7 तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से पुलिस ने नमकीन के छोटे छोटे पैकेट बना रखे हैं, जो कहीं से लोग आते हैं उनको ये सामग्री वितरित की जाए और वितरित कर कम से भी कम उनके खाने का कुछ प्रबंध किया जाए। कोटा पुलिस इस मामले में बिल्कुल आगे बढ़कर काम कर रही है। साथ में वो तस्वीरें भी दिखा पाएंगे आपको। सामने का ये जो मार्केट है ये बिल्कुल व्यस्त मार्केट है। ये कोटा का गुमानपुरा है, गुमानपुरा कोटा की हृदय स्थली कहा जाता है। यहाँ पर अगर लोगों की आवाजाही की बात करें तो यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। रात को भी ये मार्केट 11 से 11:30 बजे तक भी यहाँ पर भीड़ देखी जाएगी। सामने की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये वो रोड है जो यहाँ से कोटा को झालावाड़ से जोड़ता है और झालावाड़ को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही आज भी बनी हुई है। लोग कुछ जरूरी काम से निकल रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी इस लॉकडाउन को मजाक बना रखा है। लोग सिर्फ तफरी करने ही यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार इनसे जद्दोजहद कर रहा है और घरों में रहने की अपील कर रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा।